क्या नाम है आपका? कितने साल के हैं आप? 20। किस जगह से आती हैं? सेक्टर 21। कौन सा डेज है आज? 9। किस एरिया में चल रहे हैं? पिकनिक स्पॉट। ओके, कौन से गियर में गाड़ी है? थर्ड। स्पीड क्या है? 30। थर्ड गियर की मिनिमम मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 35 से 40। ओके, अगर इमरजेंसी में आपको गाड़ी रोकनी पड़ जाए थर्ड गियर में क्लच लेके ब्रेक उसके बाद आपको गाड़ी मूव करनी तो कौन से गियर में करके करेंगे? फर्स्ट गियर। ओके, स्ट्रेट चलना है सीधा। क्लच नहीं दबाए पूरा आपका, सीधा स्ट्रेट। कुछ गाड़ियों में होता है कि थोड़ा सा क्लच दबाने से गियर लग जाता है, कुछ गाड़ियों में होता है पूरा 100% क्लच दबाना पड़ता है। तो जैसे ही मेरी गाड़ी में क्या, अगर जब तक आप 100% नहीं दबाएंगे तो गियर नहीं लगेगा, और बाकी गाड़ियों से थोड़ा सा इसका गियर टाइट भी है क्योंकि क्लच टाइट, क्योंकि डबल क्लच ब्रेक है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइट है। ये लेफ्ट साइड में जो एंटीना लगा इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? हाँ, अंदाजा मिलता है। राइट तक ही आएगा, स्ट्रेट जाना है हम लोग को सीधा। ये सिंगल रूट है, इस पर हमेशा अपना लेफ्ट दबा के चलना है, ठीक है? उस पर नहीं चढ़ाना चाहिए था आपको, लेफ्ट आइए और लेफ्ट। ब्लाइंड टर्न जब हो तो ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेक पे ही पैर रहना चाहिए, यहाँ एक्सीलेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी ब्लाइंड टर्न है, और अपना लेफ्ट दबा के ही रखिएगा, हॉर्न मार के लेफ्ट आइए, लेफ्ट और लेफ्ट। देख रहे हैं वो ओवरटेक कर रहा था, और लेफ्ट, टकरा जाएगी उधर। मैंने बोला आपको ब्रेक पे तो आपने रखा है एक्सीलेटर पे पैर, यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत थी, एक्सीलेटर पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पैर रखने की ज़रूरत है एक्सीलेटर की ढलान पे, क्योंकि अगर एक्सीलेटर पे अगर पैर आपका है तो फिर ब्रेक की जगह आप क्या दबाएंगे, भिड़ जाएगी। तो ढलान पे कभी भी एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, एक तो ब्लाइंड टर्न है फिर ऊपर से नीचे स्लोप ढलान है। इसको बीच में से निकाल सकते हैं, इससे अगर थोड़ा सा ऊंचा है तो नहीं निकलेगा, इतना नॉर्मली निकल जाएगा, क्योंकि जिसका ग्राउंड क्लियर होता बहुत ज़्यादा नहीं होता है नीचे। सिंगल रोड पे चलाना थोड़ा टफ होता है, बिजी रोड जैसे डबल रोड है उस पर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, इन सब रोडों पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं भिड़ने के, क्योंकि बीच में कोई डिवाइडर तो है नहीं, सामने वाला अगर आप उसको अलर्ट नहीं करेंगे हॉर्न दे के पासिंग डिपर दे के तो फिर वो बीच में चलने की कोशिश करता है। गाड़ी गई है उधर ही चलना है आगे से राइट।
हॉर्न वाली बंद निकाल ली। देख रहे हैं ये रिक्शे वाला लेफ्ट से ओवरटेक करने जा रहा था, ज़रा सी जगह मिली कि बस आगे से फिर लेफ्ट चलना है जहाँ पे बैरियर रखा हुआ है। आगे से फिर राइट जाना है, स्लो कर लो इसको, निकल जाने दो रूट क्रॉस करके। यहाँ से लेफ्ट चलना है, सेक्टर 14 का चौराहा है, गाड़ी है पीछे आपके, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, फिर कैसे पता चलेगा उसको। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, थर्ड गियर की जैसे स्पीड हो गियर चेंज कर दो, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा स्पीड जाने से गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। 30 तक पहुँचते गियर चेंज कर सकते हो।